छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर आक्रमण करने का निर्णय लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की सटीक गुरिल्ला चाल के कारण मुगल सेना पहले से ही परेशान थी, इसीलिए औरंगजेब अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना चाहता था। शिवाजी तो मर गया, अब देखो उसका मराठा साम्राज्य मैं कैसे मिटा देता हूं, लेकिन मेरे सरदारों का मनोबल मुझे बढ़ाना होगा। और शिवा की वो डरावनी सह्याद्री हमें सोने नहीं देती। मुझे एक ऐसा किला ढूंढना पड़ेगा जिसे आसानी से जीता जाए, ताकि मेरे सैनिकों का मनोबल फिर से बढ़ जाए और फिर मैं उस शिवा का सब साम्राज्य खत्म कर दूंगा। औरंगजेब अपने प्रमुख सरदारों को परामर्श के लिए बुलाता है। सरदारों, बताओ हमें, हमारे मुगल सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कौन से किले को चुने जो हमें आसानी से हासिल हो जाए। सब मुगल सरदार सोच में पड़ जाते हैं। तभी एक सरदार औरंगजेब से बोलता है, हुजूर, नासिक के पास एक किला है रामसेज, जो बहुत छोटा किला है और उस पर केवल 600 मावले हैं। इस किले को हमारी सेना आसानी से हासिल कर सकती है और उससे हमारे सेना का मनोबल भी बढ़ जाएगा। औरंगजेब को सुझाव अच्छा लगा, लेकिन ऐसी मुहिम पे किसे भेजा जाए, इसी सोच में औरंगजेब था कि उसे अपने सरदार शहाबुद्दीन की याद आई और फिर औरंगजेब ने शहाबुद्दीन को बुलाने को कहा। शहाबुद्दीन औरंगजेब के दरबार में पहुंचा। आओ मेरे जाबाज शहाबुद्दीन, मैं तुम्हारे राह देख रहा था। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, तुम्हें उस सेवा का रामसेज किला जीत कर लाना है। मेरे लिए ला सकोगे? ये भी कोई पूछने की बात है हुजूर? ये छोटा सा किला कितनी देर तक हमारी फौज के सामने टिक पाएगा? आप मुझे पूरा मराठा साम्राज्य मांगते हो तो भी मैं आपके कदमों में रख देता। मैं ये किला आपको 2 दिन के अंदर जीत कर दिखाता हूं। वाह वाह वाह, आपके हौसले से हम खुश हुए, हमें आपसे यही उम्मीद थी। शहाबुद्दीन, बस वो किला एक बार हमारे हाथ लग जाने दो, फिर उस सेवा का मराठा साम्राज्य हम नेस्तनाबूत कर देंगे और उस किले की जिम्मेदारी भी आपको सौंपी जाएगी। शहाबुद्दीन, कुछ दिन पहले आप में से बहुत शिव भक्तों ने महाराज के गौरवोद्गार कहे वीडियोज हमें भेजे थे, जैसे हमने कहा था, तो आज वो वीडियोज आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगे। शहाबुद्दीन अपने साथ 10,000 मुगल सेना, हाथी, तोप और सब कुछ ले गया। किले पर पहुंचने के बाद उसने किले को चारों ओर से घेर लिया और मराठों को किला मुगलों को सौंपने को बोला। पर शहाबुद्दीन को कहा पता था कि वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक महान योद्धा है जिसका नाम था सूर्याजी जेधे। सरदार, इन मुगलों ने तो हमें चारों ओर से घेर लिया है और उनकी फौज भी बहुत ज्यादा है, हमें इस वक्त क्या करना उचित होगा? डरो मत, जो डरता है वो मराठा नहीं होता। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया है, उनके पास तो हाथी बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास आई भवानी का आशीर्वाद है, अब वही हमारी रक्षा करेंगे। बोलो हर हर महादेव। मराठा सरदार सूर्याजी अपने मावलों को सब रणनीति बता देते हैं। सैनिकों, हमें ये किला अभी और इसी वक्त जीतना है, कुछ भी करो और ये किला मुझे पेश करो। जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर। मुगल सैनिक किले पर चढ़ाई करने लगते हैं। चलो इन पर पत्थरों से हमला करो, एक भी सिपाही बचना नहीं चाहिए। हर हर महादेव। उसी वक्त मराठे ऊपर से जोर से पत्थरबाजी करने लगते हैं। भागो 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 भागो। इससे मुगल सैनिक डर जाते हैं और वापस भागने लगते हैं।
हुजूर, हुजूर, ये मराठे ने पत्थरबाजी चालू कर दी और इनके पत्थर तो हमारे सैनिकों की जान ले रहे हैं। अब क्या किया जाए हुजूर? अरे ये मराठे तलवारों से नहीं पत्थरों से खेल रहे, हमें कुछ तो करना होगा। हुजूर, हुजूर मेरे पास एक तरकीब है, शायद आपको पसंद आए। हुजूर, हम कल सुबह सुबह इन मराठों पर तोपों का धावा कर देंगे, फिर ये किला सिर्फ 2 घंटे में हमारे कब्जे में आ जाएगा। शहाबुद्दीन को यह सुझाव अच्छा लगा, उसने हामी भर दी और मुगल सैनिकों को आदेश दे दिया। जब रात में मुगल सैनिक सो रहे थे और किला जीतने का सपना देख रहे थे, तभी कुछ मराठे मावले किले से नीचे आए और सोए हुए मुगल सैनिकों पर हमला कर दिया। भागो 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 भागो, मराठे आए भागो भागो। बहुत सारे मुगल सैनिक मारे गए और मराठे बस यहीं पे कहां रुकने वाले थे। उन्होंने मुगल सैनिकों का सब राशन लूट लिया और किले पे लेके गए। फिर अगले दिन, चलो तोपे तैयार करो और हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। जब मुगल सैनिक तोपे जलाने जा रहे थे, तभी उन पर तोफ बोलों की बारिश होने लगी। सब मुगल सैनिक डर गए और इधर उधर भागने लगे। क्या हो रहा है किसी के समझ में नहीं आ रहा। तभी तोफ खाने के प्रमुख ने आदेश दिया। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? चलो चलो तोपे पीछे ले लो, ये मराठे कौन सा पानी पीते हैं? अरे ये मराठों के पास तोपे नहीं थी ना, फिर उन्होंने तोपे कहाँ से लाई? पहले पत्थर और अब ये तोप गोले। हुजूर, मराठों के पास तोपे नहीं थी, लेकिन उनके पास दिमाग है, उन्होंने लकड़ी की तोप बनाई। वो सब ठीक है, लेकिन उनके पास तोप गोले कहाँ से आ गए? हुजूर, कल रात मराठों ने हम पर हमला किया था, उसी वक्त वो सब लूट के ले गए थे, हमारा राशन भी और तोप गोले भी। अरे क्या मुसीबत है, तोपे आगे करे तो मराठों की तोपे आ जाती है और तोपे पीछे ले तो किले तक हमारी तोप के गोले पहुंच नहीं पाते। अरे करे तो क्या करे। कैसे लगी कहानी? अभी आगे भी है, तब तक कमेंट में जाके जय रामशेष टाइप करके हमारा हौसला बढ़ाइए और रामशेष का पराक्रम जल्दी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। अब देखते हैं आगे फिर क्या हुआ। शहाबुद्दीन परेशान हो गया, क्या किया जाए उसे समझ नहीं आ रहा था। बहुत सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। उसने दिमाग लगाया और अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, हम एक किले के ऊंचाई इतना लकड़ी का बुरुज बनाएंगे और उस पर हम हमारी तोपें खड़ी कर देंगे ताकि हमारी तोप गोले आसानी से किले तक पहुंच जाए। जी हुजूर, हम ऐसा ही करते हैं। शहाबुद्दीन ने लकड़ी का बुरुज बनाने का हुक्म दे दिया। धीरे धीरे बुरुज खड़ा होने लगा। सरदार, ये मुगल लकड़ी का बुरुज बना रहे ताकि उस पर उनकी तोपें खड़ी करके हम पे हमला करने में आसानी हो जाए। अच्छा, तो अब उन्होंने ये तरकीब ढूंढ के निकाली। कोई बात नहीं, उन्हें बुरुज बनाने दो, हम बुरुज बनाने तक इंतजार करेंगे और फिर हम उन्हें देख लेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। 2 महीने में बुरुज खड़ा हो गया। शहाबुद्दीन बहुत खुश था। उसने उस बुरुज पर अपने 500 सिपाही खड़े कर दिए और तोफे उस पर चढ़ा दी। अब शहाबुद्दीन आंखें खुली रखकर किला जीतने का सपना देखने लगा और इधर सूर्या जी का दिमाग अलग तरफ दौड़ रहा था। सुनो मावलो, मुगलों का वो लकड़ी का बुरुज खड़ा हो गया है, हमें उसको तोड़ना होगा। अब मेरी रणनीति सुनो। समझ में आया? काम पे लग जाओ। ठीक है सरदार, बोलो हर हर महादेव। जब मुगल सैनिक थक कर सो रहे थे, तभी कुछ मराठा सैनिक किले से नीचे उतरे और उन्होंने वो लकड़ी का बुरुज बारूद लगाकर उड़ा दिया। अब मैं क्या करूं, इन मराठे ने तो हमारी हर तरकीब नाकामयाब कर दी।
अब मैं शहंशाह औरंगजेब को क्या मुंह दिखाऊं, उनसे क्या कहूं? 2 साल हो गए, औरंगजेब रोज की हार सुनकर गुस्से से लाल पीला हो रहा था। और एक दिन औरंगजेब ने शहाबुद्दीन को वापस बुला लिया और शहाबुद्दीन औरंगजेब के दरबार में हाजिर हुआ। अरे शहाबुद्दीन, तुम्हारा एक दिन कितने सालों का होता है? तुम तो एक दिन में किला जीत कर लाने वाले थे, आज 2 साल हो चुके, लानत है तुम पे। माफ करो हुजूर, हमने हर तरकीब आजमा के देखी, कुछ काम नहीं आया हुजूर। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, होना भी चाहिए, इतनी बड़ी हार लेकर आए हो वापस। अब क्या करें, किसे भेजा जाए? मैं जाता हूं हुजूर और जीत कर लाता हूं किला। बहादुर खान, तुम तो नाम से ही बहादुर हो, हमें यकीन है कि तुम वो किला जीत कर लाओगे। इस वक्त बहादुर खान अपने साथ 20,000 मुगल सेना, हाथी, तोप और सब कुछ ले गया। जब भी बहादुर खान किले पर हमला करता या किले पर चढ़ने की कोशिश करता, मराठे मावले उन पर पत्थरों से हमला करते। उस पत्थरबाजी में बहुत से मुगल सैनिक अपनी जान गवा बैठे थे। मराठे कभी रात में हमला करते, कभी रास्ते में उनका राशन लूट लेते। बहादुर खान पूरी तरह से परेशान हो चुका था। 4 साल बीत गए, फिर भी मुगलों को जीत क्या, किले पर चढ़ना तक हासिल नहीं हुआ। फिर बहादुर खान ने एक तरकीब लगाई। उसने अपने सैनिकों के बीच में से 200 ऐसे सैनिकों को चुना जो किला चढ़ने में माहिर थे। सुनो सैनिकों, ये 200 सैनिक छोड़ के बाकी सब सैनिक सामने से हमला करेंगे। इन मराठों को ऐसा लगना चाहिए हमारी सारी फौज सामने से हमला कर रही है। उसी वक्त जब सब मराठे हमारे साथ लड़ने में व्यस्त होंगे, ये हमारे 200 जाबाज सिपाही किले के पीछे से चढ़ाई करेंगे और मराठों पर पीछे से वार करेंगे। ये सुनकर सभी मुगल सैनिक खुश हुए और उन्हें लगा अब बस किला हमारे कब्जे में आ जाएगा और हम चैन की सांस ले पाएंगे। जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर, मुगल सल्तनत जिंदाबाद रहे, मुगल सल्तनत जिंदाबाद रहे, मुगल सल्तनत जिंदाबाद रहे। मराठो सुनो, ये बहादुर खान नई चाल चलने वाला है। ये मुगल कभी भी सामने से आकर नहीं लड़ते, इन्होंने हमेशा हम पर पीछे से वार किया है, तो इस बार हमें सावधान रहना होगा। हम में से कुछ सिपाही किले की पिछली वाली जगह पर तैनात रहेंगे, ये मुगल पीछे से वार जरूर करेंगे। जैसा आप कहे सरदार। बोलो हर हर महादेव। और बहादुर खान ने अपनी चाल चली। 200 मुगल सैनिक छोड़ के सभी किले के सामने खड़े होकर लड़ने लगे और पीछे से 200 सिपाही किले पर चढ़ाई करने लगे। मराठों ने फिर से पत्थरबाजी चालू कर दी और जब वो 200 मुगल सैनिक पीछे से चढ़ते चढ़ते आखिरी छोर तक पहुंचे, मराठों ने उनकी रस्सी काट डाली। सभी मुगल सैनिक जोर से जाकर नीचे गिरे। जब ये बात बहादुर खान को पता चली, उसने अपने आगे के सैनिकों को पीछे होने का आदेश दे दिया। ये भी चाल मराठों को समझ में आई, ये मराठे कौन सा पानी पीते हैं? इनका दिमाग तो घोड़े से भी तेज भागता है, क्या मुसीबत है। तभी एक दिन एक मुगल सैनिक बहादुर खान से बोला, हुजूर मुझे लगता है इन मराठों की मदद कोई भूत-भूत कर रहा है, नहीं तो हमारी इतनी बड़ी फौज के सामने ये मराठे टिक ही नहीं सकते, और इन्हें हमारी चाल का भी कैसे पता चल जाता है? मतलब क्या कहना चाहते हो? मुझे लगता है हमें किसी मांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। मैं ऐसे एक मांत्रिक को जानता हूँ जो इन भूत प्रेतों को वश में करता है, आप कहे तो उसे अभी हाजिर करता हूँ। बहादुर खान को उस पर यकीन हो गया और फिर उसने मांत्रिक को हाजिर करने को कहा। ठीक है, उसे अभी इसी वक्त हाजिर करो। देखो मांत्रिक, तुम्हारा जो भी नाम है, मुझे किला किसी भी हाल में जीतना है, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा।
बस एक किला मुझे मेरे कदमों के नीचे चाहिए। अरे हुजूर, आप कोई भी चिंता मत करो, मेरे पास तो बहुत जालिम इलाज है, उसके सामने तो कोई भी टिक नहीं पाया। तो ये मराठे और ये किला क्या चीज है? आप बस मुझे एक 100 तोले का सोने का नाग बना दीजिए, फिर देखिए मेरा कमाल। उस नाग के साथ किले पर चढ़ाई करेंगे और फिर उस किले पर चुटकी में कब्जा कर लेंगे। बहादुर खान बहुत परेशान हो गया था, इसलिए मांत्रिक जो भी कुछ कह रहा था उसने सब मान लिया। ठीक है, जैसा ये मांत्रिक कह रहा है वैसा ही किया जाए। सोने का नाग बनाया गया और फिर उसके बाद किले पर चढ़ाई की शुरुआत हुई। सबसे आगे मांत्रिक था और उसके पीछे बहादुर खान और मुगल सैनिक, वो सब चढ़ाई किए जा रहे थे। किले का आखिरी छोर चढ़ने ही वाले थे तभी हर 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 महादेव एक पत्थर लगकर मांत्रिक एक तरफ और उसका नाग एक तरफ ये देखकर, अरे भागो भागो, फिर से इन मराठों ने कोई काला जादू कर दिया, मांत्रिक भी मर गया, भागो भागो। ये मांत्रिक का भी काला जादू नहीं काम कर पाया, हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। हुजूर, क्यों न हम इनको आने वाले राशन के हर रास्ते पर पहरा लगा दे, इससे ये मराठे भूखे रहेंगे और भूख के कारण लड़ भी नहीं पाएंगे। बहादुर खान को यह सुझाव अच्छा लगा और उसने किले पर जाने वाले राशन के सभी रस्तों पर पहरा लगा दिया। अभी देखता हूं कैसे ये मराठे जिंदा रहते हैं, बिना कुछ खाए पिए भूखे रहेंगे तभी इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मराठों का राशन खत्म होने लगा था, मराठों को मदद की जरूरत थी, तो सूर्याजी ने अपने एक मावले को मदद लाने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज के पास भेजा। छत्रपति संभाजी महाराज की नजर रामसेज पर पहले से ही थी। वो मावला किले पर पहुंचा और छत्रपति संभाजी महाराज को सब बता दिया। छत्रपति संभाजी महाराज ने जल्द से अपने मराठा सरदार रूपाजी भोसले और माणाजी मोरे को बुलाया। तो छत्रपति संभाजी महाराज के इस कैरेक्टर को आपने बहुत ही पसंद किया, मैंने तो अपने वॉलपेपर में भी यही लगाया है और आप भी लगा सकते हैं। लेके आए हैं आपके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के फोन एंड डेस्कटॉप वॉलपेपर्स। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाके अभी डाउनलोड करें। रामसेज पर मुसीबत आ गई, उनका राशन खत्म हो रहा है, बिना खाए हमारे मावले कैसे लड़ेंगे? रूपाजी और माना जी, आप 8000 की फौज लेकर राशन के साथ रामसेज की ओर तुरंत निकले। आप चिंता ना करें महाराज, हम आज ही रामसेज की ओर निकलते हैं। रूपाजी भोसले और माणाजी मोरे ने किले तक पहुंचने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो असफल रहे। बहादुर खान ने जगह जगह पर अपने सैनिक खड़े करके रखे थे, फिर भी सूर्याजी और उनके मावले रुकने को तैयार नहीं थे। बेचारा बहादुर खान पहले से ही परेशान था, इसलिए किला जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने एक दिन किले के सरदार सूर्याजी को मुगलों के साथ शामिल होने का न्योता दिया। उसने खत लेकर एक मुगल सैनिक को भेजा। मराठों ने उस मुगल सैनिक को पकड़ लिया और उससे वो खत छीन लिया और सूर्याजी ने अपने एक मावले को खत पढ़ने को बोला। देखो सूर्याजी का ये किला आज नहीं तो कल हमारे कब्जे में ही हो जाएगा, तब हम तुम पे कोई रहम नहीं दिखा सकते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारा साथ दो और मुगल सल्तनत में शामिल हो जाओ। बादशाह तुम पर बहुत खुश होंगे और इस किले के सरदार तुम ही रहोगे। ये खत पढ़कर सूर्याजी जोर से हंसने लगे और उन्होंने उस खत का जवाब लिखा और उसी मुगल सैनिक को खत के साथ वापस बहादुर खान के पास भेज दिया। हुजूर, ये मराठा सरदार तो मानने के लिए तैयार ही नहीं, उसने खत भेजा है, आप कहे तो पढ़ू। जरूर जरूर, जल्दी पढ़ो। बहादुर खान, अगर मुझे लड़ते लड़ते मरना भी पड़े तो मैं वो स्वीकार करूंगा और ये किला
जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कभी हासिल नहीं होगा। उससे अच्छा है तुम इसका ख्वाब छोड़ दो और लौट जाओ जहां से आए थे। तुम्हारा वो बादशाह हमें कुछ नहीं दे सकता, तुम्हारी हार पर वो शोक मना रहा होगा, खुद से कह रहा होगा हमारी 20,000 की फौज उन 600 मावलों का कुछ क्यों नहीं कर पा रही। हम छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के मावले हैं, मरते दम तक लड़ते रहेंगे और उसके बाद भी। सब करके देखा फिर भी कुछ हासिल नहीं हो रहा था, इसीलिए यह सब होने के बाद बहादुर खान परेशान हो गया और मैदान छोड़ के वहां से निकल गया। यह थी मराठों की सबसे बड़ी जीत, जिसे औरंगजेब मामूली समझ रहा था उस किले को भी मराठों ने 6 साल जिंदा रखा। तो कैसे लगी कहानी? महाराज और मावले अपने स्वराज्य के लिए मरते दम तक लड़े, तो उनके इस महान कार्य के लिए चलो गौरव उद्गार कहते हैं। आप तैयार हो? प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज योगिराज श्रीमंत श्री 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 शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। औरंगजेब अपने एक एक सरदार को रामसेज किले पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजता और सभी सरदार हार कर वापस आ रहे थे। 6 साल बीत चुके थे और औरंगजेब ने फिर किला जीतने के लिए अपने सरदार कासिम खान किरमानी को भेजा और किले के नए मराठे सरदार ने मुगलों से हाथ मिला लिया और किला मुगलों के हवाले कर दिया। घर का भेदी लंका ढाए के अनुसार औरंगजेब ने किले पर मुगल झंडा फहराया।